हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल होलिस्टिक मल्टीमीडिया डिजाइन। इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाला हूँ, फोटोशॉप के अंदर पैटर्न। उसके लिए मैं फाइल न्यू एक नया फाइल लेता हूँ, छोटा वाला फाइल लेता हूँ 50x50 या 100x100 पिक्सल का। तो मैं 100x100 पिक्सल का एक छोटा सा फाइल लेता हूँ और फिर कोई भी डिजाइन उस पर बनाता हूँ। जैसे मैंने ब्रश लिया, ब्रश का साइज कम करता हूँ, ऑब्वियसली बहुत छोटा कर लेता हूँ। और कोई भी टाइप का ब्रश ले लो और रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करो। जैसे मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, उसके बाद चलो मान के चलो मैंने कलर चेंज किया कुछ ऑरेंज, और ऑरेंज में ऐसा कुछ लाइन बना दी। फिर उसके बाद मैंने ब्रश का टाइप भी चेंज किया, ऐसा कोई ग्रास वाला ब्रश भी मिलता है, और मैंने इसको ब्लू ये तो रखा है, येलो रेड रखता हूँ, और ऐसा कुछ मैंने इसमें डाल दिया। ऐसे कुछ भी मैंने डिजाइन बना लिया। उसके बाद मैं इसी फाइल में एडिट, एडिट के अंदर डिफाइन पैटर्न, एडिट के अंदर डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पैटर्न का नाम दे सकता हूँ, पैटर्न वन इज द डिफॉल्ट नेम, उसको कुछ भी ABC ऐसे नाम देता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये पैटर्न बन गया। फिर मैं किसी भी दूसरे इमेज पे जाता हूँ, सबसे ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट करके एक और नया लेयर बनाता हूँ चाहे तो, और उस लेयर को किसी भी एक कलर से ढक देता हूँ। जैसे कि कंट्रोल बैकस्पेस पूरा व्हाइट कलर से मैंने उसको ढक दिया है। उसके बाद इसी लेयर को, जो लेयर 5 है, इसी लेयर को सिलेक्टेड रखते हुए यहाँ नीचे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे इफेक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो इफेक्ट्स के अंदर पैटर्न ओवरले नाम का ऑप्शन दिखेगा, तो मैं पैटर्न ओवरले पे क्लिक करता हूँ। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके ऊपर आपको एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न में भी फिर अलग अलग वैरायटी है, ये 2-3 अलग अलग सैंपल्स है, और ये लास्ट वाला जो है ये मैंने बनाया है अभी। और इसका जो साइज है वो भी मैं कम कर सकता हूँ या ज्यादा कर सकता हूँ, तो मैंने इसको कम रखा है और इसको ओके करता हूँ।